अब ये गरीब लोग जिस दर से भी रास्ता मांगते हैं उधर के लोग उसको विरोध करते हैं। जो धरने पर बैठे हुए हैं उनकी मांग भी ठीक है, जो EWS मकान में रह रहे हैं उनकी मांग भी ठीक है। वो तो उनको रास्ता चाहिए, मकान खरीदे, 10 साल हो गए, पैसा लगाया, गरीब लोग। अब क्या आपको लगता है कि ये अभी भी भेदभाव का जो नीति है वो चल रही, क्योंकि भेदभाव के अंतर्गत ही वहाँ पे स्टे लिए गए? GDA एक टाइम बाउंड लिख करके देखिए, इतने दिन के लिए दीजिएगा, इतने दिन के बाद हम इसे परमानेंट बंद कर देंगे। जो प्रशासनिक कार्य हैं उनमें राजनीति का घुसना कितना लाजमी है, आप ये मानते हैं कि राजनीति का उनमें घुसना लाजमी है? GDA की लंबी लड़ाई के बावजूद EWS आवंटियों को 10 साल बाद कहीं उम्मीद की एक किरण नजर आई, जब GDA ने उनका रास्ता दूसरी तरफ से निकालने की जिद्दोजहद की, लेकिन उस पर भी संकट के काले बादल मंडराने लगे हैं। इन बादलों को लेकर हम बात करेंगे आज साहिबाबाद विधानसभा के विधायक यहां पर पहुंचे हैं, क्योंकि धरना स्थल चल रहा है, जिस तरफ से रास्ता दिया जा रहा था उस तरफ जो आवंटी थे उन लोगों ने इसका विरोध किया, क्योंकि रास्ता यहाँ से नहीं दिया जाना चाहिए। विधायक जी, आप यहाँ आए, क्या वजह है कि रास्ता जब 10 साल के बाद, क्योंकि ये उन लोगों के मकान थे जो दुर्लभ आय वर्ग के लोग थे, तो जब GDA इनको रास्ता दे रहा था तो दिक्कतें कहाँ पैदा हुई? पिछले 15 वर्षों में उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार की व्यवस्था रही है उसमें जनता के हितों की अनदेखी हुई है और सरकारी लूट का वातावरण रहा है, जिसका परिणाम ये है कि आज जनता आमने सामने खड़ी है। जब ये बिल्डिंग बनाई गई थी तो बिल्डिंग के साथ ही रास्ते की व्यवस्था की जानी चाहिए थी प्रॉपर, रास्ते की व्यवस्था ना करके और मकान बना दी गई। अब ये गरीब लोग जिस दर से भी रास्ता मांगते हैं उधर के लोग उस पर विरोध करते हैं। ये महत्वपूर्ण विषय है और इस पर कोई निर्णय एक साथ नहीं लिया जा सकता। जो धरने पर बैठे हुए हैं उनकी मांग भी ठीक है, जो EWS मकान में रह रहे हैं उनकी मांग भी ठीक है। वो तो उनको रास्ता चाहिए, मकान खरीदे, 10 साल हो गए, पैसा लगाया, गरीब लोग हैं, रास्ता चाहिए चाहिए। आपने गरीब यहाँ के नागरिकों को कहना है कि रास्ता इतना चौड़ा नहीं है, संकरा रास्ता है, और इस रास्ते से अगर ये सोसाइटी का रवार खोल दिया गया तो यहाँ दिक्कतें उत्पन्न होंगी और लेआउट प्लान के अनुसार रास्ता यहाँ से था नहीं। ये टोटल GDA के उस समय के जो भी अधिकारी थे उनकी लापरवाही का नतीजा है जो लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इसका बैठ करके बातचीत करके क्या समाधान निकल सकता है, मैं अधिकारियों से बात करूंगा और इसका समाधान ऐसा निकले जो सर्वग्राह्य हो, जो सबको मान्य हो। अच्छा, आपने बात की ये गरीब तबके के लोग हैं जिनके 580 फ्लैट्स हैं, कब्जा नहीं मिल पा रहा था, उस लिए लंबी लड़ाई चल रही थी GDA ने, आपने बताया कि दूसरी तरफ से रास्ता जिधर से था उधर कोर्ट ने स्टे मतलब लिया हुआ है उन आवंटियों ने, जो MIG और HIG जो फ्लैट्स हैं उस तरफ से, लेकिन अब जब GDA इस तरकीब को सुझा रहा था कि रास्ता ज़रूरी था क्योंकि आवंटी थे वो अभी रेंट के मकान में रह रहे हैं, काफ़ी गरीब तबके के लोग हैं, तो GDA ने एक फैसला किया कि इन्हें रास्ता तब तक दे दिया जाए जब तक वो मामला लंबित रहे, जिस तरह से हमारी बात हुई है। लेकिन अब क्या आपको लगता है कि ये अभी भी भेदभाव का जो नीति है वो चल रही, क्योंकि भेदभाव के अंतर्गत ही वहाँ पर स्टे लिए गए? GDA पहले यहाँ के नागरिकों को लिख करके दे चुका है कि यहाँ से रास्ता नहीं होगा, आज वो कह रहा है अस्थाई बना दो, कल को वो स्थाई हो जाएगा, इस भय से ये लोग धरने पर बैठे हुए हैं। अगर लोगों को ये विश्वास हो कि 2 महीने में 3 महीने में 4 महीने में GDA एक टाइम बाउंड लिख करके दे कि इतने दिन के लिए दीजिएगा, इतने दिन के बाद हम इसे परमानेंट बंद कर देंगे, तो बात सोची जा सकती है। लेकिन एक अपना जो है परेशानी बचाने के लिए दूसरे लोगों को परेशानी में डालने का काम GDA कर रहा, मेरा कहना है GDA को तत्काल हाईकोर्ट में पैरोकारी करके इसका न्यायालय से ही समाधान करा लेना चाहिए, क्योंकि GDA के हाथ में तो कुछ बचा नहीं, चारों तरफ के लोग हैं, कोई अपनी तरफ से रास्ता होने नहीं देगा, इसका फैसला न्यायपालिका ही कर सकती है या आपसी बैठ करके आपसी समाधान से आपसी सूझबूझ से हो सकता है। आपसे एक क्वेश्चन, क्या जो प्रशासनिक कार्य हैं उनमें राजनीति का घुसना कितना लाजमी है, आप ये मानते हैं कि राजनीति का उनमें घुसना लाजमी है? नहीं, राज किस में आपके मतलब सवाल का? मैंने बस एक ही सवाल ये आपसे पूछा, जो प्रशासनिक कार्य हैं, जब प्रशासन किसी चीज़ को अमल कर रहा है तो लगता है आपको इसमें राजनीति की जा रही है, क्योंकि वोट का, क्योंकि राजेंद्र नगर जो यहाँ से भी मैं ही विधायक हूँ और शुभधाम से भी मैं ही हूँ और जो ये लोग आएंगे इनका भी मैं ही हूँ, सब लोग एक ही हैं,
लेकिन घर परिवार में भी दिक्कत हो जाती है कई बार रास्तों में, तो बात बात में घर परिवार में भी दिक्कत होती नहीं होती, गांव में रास्तों में हो जाती है, ऐसी दिक्कत है, समाधान हो जाएगा, समाधान हो जाएगा। ये थे साहिबाबाद विधानसभा के विधायक सुनील शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि अभी कुछ दिक्कतें जरूर फेस करनी पड़ रही हैं, लेकिन इसका समाधान अधिकारियों के साथ बैठकर जरूर किया जाएगा। कैमरामैन मनोज के साथ तेजिंदर सिंह, नेशन टाइम, गाजियाबाद।